नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे नवरात्रि व्रत पूजा करने से होंगे इतने ढेर सारे लाभ। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी तत्व अन्य दिनों की तुलना में 1,000 गुना अधिक सक्रिय रहती है। इस काल अवधि में देवी तत्व की अति सूक्ष्म तरंगे धीरे धीरे क्रियाशील होती है और पूरे ब्रह्मांड में संचारित होती है। उस समय ब्रह्मांड में शक्ति के स्तर पर विद्यमान अनिष्ट शक्तियां नष्ट होती है और ब्रह्मांड की शुद्धि होने लगती है। देवी तत्व की शक्ति का स्तर प्रथम 3 दिनों में सगुण निर्गुण होता है। इसके उपरांत उसमें निर्गुण तत्व की मात्रा बढ़ती है और नवरात्रि के अंतिम दिन इस निर्गुण तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। निर्गुण स्तर की शक्ति के साथ सूक्ष्म स्तर पर युद्ध करने के लिए छठवें एवं सातवें पाताल की बलवानी आसुरी शक्ति को अर्थात मांत्रिकों को इस युद्ध में प्रत्यक्ष सहभागी होना पड़ता है। उस समय के शक्तियां उनके पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध करती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से 30 मार्च तक है। नवरात्रि के काल अवधि में महाबलशाली दैत्यों का वध कर देवी दुर्गा महाशक्ति बनी। देवताओं में उनकी स्तुति की। उस समय देवी माँ ने सर्व देवताओं एवं मानवों को आभार का आशीर्वाद देते हुए वचन दिया कि इत्यम यदा यदा बाधा दानवोत्तः भविष्यते तदा तदा अवार्त्याहम् करिष्यामि ऋच्छायाम्। मार्कंडेय पुराण। इसका अर्थ है, जब जब दानवों द्वारा जगत को बाधा पहुँचेगी तब तब मैं अवतार धारण कर शत्रुओं का नाश करूँगी। नवरात्रि का उत्सव श्रद्धा और सबरी के रंग में सराबोर होते हैं। नवरात्रि के दिनों में भक्त देवी माँ के प्रति विशेष उपासना प्रकट करते हैं। नवरात्र के दिनों में लोग कई तरह से माँ की उपासना करते हैं। माता के इस पावन पर्व हर कोई उनकी अनुकंपा पाना चाहता है। नवरात्रि का यह पावन त्यौहार साल में 2 बार माना जाता है। इसका एक खास महत्व है। वैसे तो माँ दुर्गा की उपासना के लिए सभी समय एक जैसे हैं और दोनों नवरात्रि का प्रताप भी एक जैसा है। साथ ही दोनों नवरात्रि में माँ की पूजा करने वाले भक्तों को उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। एक वर्ष में कितने बार पड़ती है नवरात्रि? एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। साल के प्रथम चैत्र में पहली नवरात्रि होती है, फिर चौथे माह आषाढ़ में, फिर उसके बाद अश्वनी माह में, और उसके प्रमुख शारदीय नवरात्रि होती है। साल के अंत में माघ माह में गुप्त नवरात्रि होती है। इन सभी नवरात्रों का जिक्र देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। क्या है प्राकृतिक कारण? नवरात्रि का पर्व 2 बार मनाने के पीछे अगर प्राकृतिक कारणों की बात की जाए तो हम पाएंगे कि दोनों नवरात्र के समय ही ऋतु परिवर्तन होता है। गर्मी और शीत के मौसम के प्रारंभ से पूर्व प्रकृति के एक बड़ा परिवर्तन होता है। माना जाता है कि प्रकृति माता की इस शक्ति के उत्सव को आधार मानते हुए नवरात्रि का पर्व हर्ष आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं ही इन दिनों समय काल पर ही नवरात्रि के उत्सव के लिए तैयार रहती है। तभी तो उस समय ना मौसम अधिक गर्म ना अधिक ठंडा होता है। खुशनुमा मौसम इस पर्व की महत्ता को और बढ़ाता है। जय श्री राम।